राधे श्याम भैया का, आपका और डॉक्टर बलजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा लगा मिलके, और ऐसा सोचा नहीं था और कुछ प्लान ही नहीं था आने का। ये फॉर दिस आई विल थैंक उषा जी। शी मतलब उन्होंने ये कोशिश की कि हम लोग वहाँ लखनऊ में थे ना, तो वहाँ पर किसी को जिसने ये अटेंड किया था उनको खास तौर से इसलिए बुलाया कि देन वो बता सकें कि इससे लाभ होता है। तो फिर बाकी सब परिवार था यहाँ तो आना ही था। तो अभी आके इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे 3 4 दिन था तो बाकी जैसा वो बोल रही है कि और होता तो अच्छा लगता, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है। और जैसे भूख अभी चली गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं लगता कि नहीं खाओ खाओ खाओ। दूसरा, यहाँ का स्टाफ जैसा सबने कहा, इस इनको तो मतलब क्या कहा जाए। दे आर इट्स सच अ क्रेडिटेबल थिंग फॉर देम कि वो लोग दिन रात एक तरह से सेवा कर रहे थे। मतलब सुबह 8 के आके 4:30 बजे से देना, और रात में पता नहीं ये लोग कब सोते थे। और सुमित ने हमको बहुत मदद की, गाड़ी से हमको उधर रूम पे दूर होती थी, धूप लगती थी तो लेके आना लेके छोड़ना बिना शिकन के कोई भी। और मतलब खाना भी यहाँ का हमको अच्छा ही लगा, वो फल वल। तो ऐसा उम्मीद करती हूँ कि जो ये आप लोगों ने सिखाया है वो हमारे मन में रहेगा, और आगे अभी तक तो यही विचार है कि करेंगे। मतलब जैसा पहले बड़ा लाइटली लिया था कि 3 4 दिन हो करके आते हैं, मतलब मेरा तो सच में यही कहना था सबको कि मैं अपने परिवार से बॉन्डिंग के लिए जा रही हूँ, और ये पता नहीं करूँगी कि नहीं करूँगी। पर वाकई में ये करके अभी मतलब ऐसा अपनी इतना अच्छा फीलिंग होती है, तो लगता है कि ये मतलब महाराज जी की देन है कि उन्होंने मतलब सुबुद्धि दी कि यहाँ आओ। और जगह तो हम जाते ही हैं, यहाँ का भी जाके देखो तो सही। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे परिवार का धन्यवाद। यहाँ इन लोगों से मिलके भी बड़ा अच्छा लगा, जो नए लोग आए हैं उनसे भी मिलके बड़ा अच्छा लगा। बाकी तो अपना परिवार है ये। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।